भी बंजन का लता। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ले अला और कैसे कि जब ये सदा यार ऊपर पेंट खिला दिया है।
शुरू होने वाली है। तमाम हजरात बच्चे इधर बैठे हैं, बच्चे किसके साथ है? इधर ये रास्ता रखना है, इधर ये इधर बैठे इधर इधर ये छोड़ जगह छोड़नी है, इधर थोड़ा इधर
थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा। से पाक के तकरीब शुरू होने वाली है। स्टेज पर साहबजादा वाला शान सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब नकवी बुखारी मुतज़िल्लाहुल आली और सैयद आबुद हुसैन शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हज़रात जो बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि महफिल के अंदर तशरीफ लाएँ। अभी चंद लम्हों के बाद तिलावत कुरान पाक से इस वाबत महफिल का आगाज होने वाला है। तमाम हज़रात महफिल के अंदर तशरीफ लें। اللهم صل على سيدنا Thank you.
थोड़ा साइड ही जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर क़िबला सैयद आबद हुसैन शाह साहब उनको खिलाफत अता फरमा रहे हैं और उनकी दस्तारबंदी हो रही है। उसके बाद फ़कीर मौज अली दस्तारबंदी हो रही है। सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब सज्जादा नशीन, सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब नकवी बुखारी अपने दस्ते मुबारक से मौज अली फ़कीर की दस्तारबंदी कर रहे हैं और अपने फैज़ व बरकात से मंगतों की झोलियां भर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते रहिए। और जनाब मौज अली फ़कीर साहब को तमाम जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें, तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, महफिल का आगाज हो रहा है, तमाम तशरीफ़ रखें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द बैठ जाएं ताकि महफिल का आगाज़ हो जाए। तो लुत्फ आता है, खाना काबा जाओ जरूर, मगर ये दिल हरम हो तो लुत्फ आता है। खाक मुझ में कमाल रखा है, डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। तन मन धन लुटा के जनाब सिद्दीक अकबर बोले, तन मन धन लुटा के जनाब सिद्दीक अकबर बोले, कोई पूछ जो मेरा पता तो बताना यारो, घर सरकार के कदमों पे लुटा रखा है। ऐ मेरी मौत के मालिक जरा जल्दी आ जा, सर चौखटे सहरा पे झुका रखा है। बेतम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खुदा के नूर से जाहिर हुए ये पांचों तन, मोहम्मद अस्तु अली फातिमा हुसैन हसन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अला
आपके दर्जात की बुलंदी के लिए इस खूबसूरत महफिल को सजाया गया है और आज की सदारत फरमा रहे हैं आले नबी औलाद अली पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद आबिद हुसैन शाह साहब सरवरी कादरी। मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह। आपके साथ साथ सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब नकवी बुखारी। आप भी महफिल का हुस्न है, मेहमान खुसूसी है और दीगर जितने भी सलाकान रसूल जलवागर है। जामे जम नहीं है ये बज़्मे मैं है, जामे जम नहीं है आका की महफिल में कोई किसी से कम नहीं है। सभी हुजूर के गुलाम आए बैठे हैं, एक नारा बुलंद कीजिए। मुझे चार मिसरे पढ़ने हैं, शाहजी से दुआ लेनी है और तिलावत कलाम पाक के लिए सदा देनी है। नारा तकबीर, जिसका हाथ सलामत है जरा हाथ उठा के रब का दिता खांद हो तो रब का नाम भी उच्चा बोल ले। नारा तकबीर, थोड़ा जा जोर ला के बोल ले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आइए इन मिसरों से नौकरी का आगाज है। किबला शाह साहब से दुआ लेते हुए आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। किसने कहा कि सैयद सरदार नहीं है, किसने कहा कि सैयद सरदार नहीं है। वह सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। शाहजी आखिरी मिसरे पे आपसे जो दुआ मिलेगी वो मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी होगी। मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, जिसके दिल की बात हो, जिसके दिल की किताब पढूं वो हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह, बाकियों की अपनी मर्जी है। मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। खरीदारों से कह दो कि बोली खूने अली बहता है बिकता नहीं है, खूने अली बहता है बिकता नहीं है, खूने अली बहता है बिकता नहीं है, खूने अली बहता है बिकता नहीं है। आप तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हूं। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم إلا الذين آمنوا
भाई निसार अहमद रजवी साहब आया थे बैनात से महफिल को, मार्केट में आ जाते हैं अब दूसरे मिसरे पे, मुझे नहीं पता कौन कौन कहेगा सुभान अल्लाह, जो समझे वो कहे सुभान अल्लाह। हमने सरकार पे शायरी करके नाम दीवान रख दिया उसका, उसने जब सीरतुल नबी लिखी नाम कुरान रख दिया उसका, सीरतुल नबी लिखी नाम कुरान रख दिया उसका। कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं, कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं, मोहम्मद वो जात है कि जिनमें ऐब नहीं, मोहम्मद वो जात है कि जिनमें ऐब नहीं, जमा जब कुल इल्म है कुरान में। शाह जी चौथे मिसरे में नतीजा भी है अकीदा भी है, जमा जब कुल इल्म है कुरान में, चौथा मिसरा पढ़ना मैंने है, सुनना आपने है, सुनाना मैंने है, समझना आपने है, अपने खालिक से कह रहा हूँ, साते वाजिब से कह रहा हूँ, पालनहार से कह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे तौफीक दे इन्हें समझा सकूँ, इन्हें सलाहियत दे ये समझ के बोल सके, कुरान वो किताब है कि जिसमें ऐब नहीं, मोहम्मद वो जात है कि जिनमें ऐब नहीं, जमा जब कुल इल्म है कुरान में तो कौन कहता है कि उनको ऐब नहीं, उनको गैब नहीं, कहती है अल किताब की आयात बयनात, जिक्र रसूल पाक है सरमाया हयात, बाद अस खुदाए पाक तो इस कायनात में, मेरे लिए तो काफी है मेरे नबी की जात, मेरे लिए तो हमारे, बल्कि यूं कहूँ हमारे लिए तो काफी है हमारे नबी की जात। उल्तमे सुन चले जाएंगे, आप इस्तकबाल फरमाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सब का पहला हाजिरी में फिर स्टेज के बैठल सैयद सादात जाद जनाब मालिक हजरत तान सबिर के मौजे पर अस्सलाम वालेकुम या अली मदद उनका बाद इन्हीं अकीदे सा कि हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने मुस्तफा की समाज पे लाखों सलाम सबई गजी अवल ता आखिर भाई हथड़ा बुलंद करे मदीने वाले ताजदार ते दरूद व सलाम जो नजरानो इन्हीं अकीदे सा पेश करा से सबई मुसब्बत जी करे पढ़ा दो सल्लल्लाहु अलैहि या कसम कलम दे जना लिखेंदा मैं कमली वाले तो अली के जिक्र से जब जब खुशी मिले मुझे मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ, माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। शायद इस मिसरे पे आपकी निगाह करम चाहिए, मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। घर अपने अली, अली छोड़ते हो तो खुदा छोड़ दो, अली छोड़ते हो है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह तोशे पयंबर पे है अली, काबा गवाह तोशे पयंबर पे है अली। जैसे कमाल हजरत और नाथ खान दोस्त बात को सहल करने के लिए, आसान करने के लिए गिरा का सहारा लेते हैं, आज मैं भी गिरा लगाता हूँ। देखना ये है, सुनता कौन है, समझता कौन है, फिर समझ के बोलता कौन है कि काबा गवाह तोशे पयंबर पे है अली, काबा गवाह तोशे पयंबर पे है अली। वहीं पे मेराज के कांधों पे खड़ा है जो साहिबे मेराज के कांधों पे खड़ा है कि काबा गवाह तोशे पयंबर पे है अली, शादी सर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए। आखिरी मिसरा मुझ
से सुनिए, निगाह नबी की आग पे रखिए, और अगर आपका दिल बोले तो चौथे मिसरे पे फैसला हो जाएगा। आपने हाथ उठा के फैसले पे हक अदा करने बोलने का, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह, दोषो पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। लो फरमान रसूल का तर्जमा सुनो, अगर दिल में इबलीस की मूरत ही न होती, जहनों में कभी हक की कुदूरत ही न होती, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से तो दोजख को बनाने की जरूरत ही न होती, दोजख को करते सभी इंसान अगर प्यार अली से तो दोजख को बनाने की जरूरत ही न होती। मुल्तमिस हूं अपने वान से, अमीर अली सुल्तानी साहब तशरीफ लाए। हसीन है, आइए पूछते हैं कायनात के सबसे अमीर यानी जिब्रील अमीर रूहुल अमीर से, आइए पूछते हैं सरकार कितने हसीन हैं। तो शायर कहता है, रूहुल अमीर से एक दिल कहने लगे शाह जिब्राईल, तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम, तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है गम गम गम। रूहुल अमीन कहने लगे ऐशा तेरे रुखी कसम, आफा कहां कर दी दम, मेरे पुता पर जी दम, बिस्यार खूबा की दम, लेकिन तो चीजें दी करी एक सोना, आता तू लग रहे दूजा फिर भी तू माया, पैर चुमा सारा हज दीवे, तेरे हुस्न जमाल बेहद कोई नहीं, जरा पर दे जा सारा हज दीवे, नाशाद ते बख्त को भाग लगे सद वेड़े आ सारा हज दीवे, वो सद वेड़े दीवे अवल ताफिर सबई बैयत करी करे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम सब ख्याल ख्याल में तैबा चलते हैं, और मदीने वाले ताजदार के रोजा अक्दस के सामने झोली फैला कर कहते गए, सोना आज हम तेरे दर पे आए हैं और इन सैयद सादात के सबके में हमें खाली नहीं बैठे, खाली ना मोड़े ओ तैबा
दर पर पहुंच गए हैं। अब हाजिरी के लिए शायर कहता है, इलाज कैसे करता है किबला, दीदार 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 सादी दवाई दीदार उसको हुस्न पे नाज था कि मुझे मिस्र की लड़कियों ने देख के ना उंगलियां अपनी काट दी, मैं इतना हसीन हूँ, आज इमामत मुझे ही मिलेगी। जब जिब्राईल अलैहि सलाम ने आका नामदार सल्लल्लाहु वसल्लम से इल्तिमास अर्ज की कि सरकार आप आइए और इमामत कीजिए, जैसे ही सरकार उठे, अब ये बात जहन में होनी चाहिए, सरकार उठे और हजरत यूसुफ की निगाह गई, अब वद्दुहा का चेहरा गया और यूसुफ की आंखें गई, अब यूसुफ देख रहा है सरकार को, जैसे नजर गिरी, अब ये बात बस इसी जगह पे अपने जहन को रखना है, देख रहा है यूसुफ वद्दुहा के चेहरे को, तो शायर ने कलम उठाया और लिखता है, कहता है कि तुम्हारे रुख पर जमी गया है या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की बड़े हसीबो या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। शायर कहता है कसम खुदा की बड़े हसी हो बड़े हसी हो, मैं कैसे अपनी मिलाऊं अखियां के तुम्हारे रुख पर जमी गया के। आए थे नमाज पढ़ने, सब लोग आए थे नमाज पढ़ने, अब शायर कहता है कि नमाज नमाज उदू यारा गए पाके इमाम आसान दिती खुंड खोलते साईं सरकारा, और एक बेतो फरेज अजीम दुखी मेरी सोच ते पानी तारा गए, मैं शाद नमाज कजा पढ़ सूठी अदब करूं सरकारा गए। तो
पढ़ ली मैंने पढ़ी कैसे गए कि तुम्हारी सूरत है मेरे आगे या रसूल अल्लाह तुम्हारी सूरत है मेरे आगे मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां कसम खुदा बड़े हसीबो और किला अब मक्ते पे ना शायर ने अपना पूरा जोर लगा के निचोड़ निकाल दिया मक्ते मक्ता आपके सामने अर्ज करता हूँ शायर कहता क्या ये बात हक मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा तेरे बना रहा हूँ या रसूल अल्लाह मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ पता कैसी बनाऊं अखियां मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ मैं नक्श तेरे अरे पता कैसी बनाऊं अखियां कि कसम खुदा की बड़े हसी हो मौला की बारगाह में चलते हैं किसी शायर ने कहा है कि मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है जिसके बच्चों की सवारी रसूल बनते के मेरे अली का गुनाह से मिजाज मिलता है मेरे अली का गुनाह से मिजाज मिलता है कुल्ले इमां इमां से कुल्ले
उसी आजाद की कसम, बड़ी कसम उठा रहा हूँ गुलाबी से, जो करबला में थी गूंजी उसी आजाद की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी आजाद की कसम, मेरे अली इमाम हुसैन की बारगाह में चलते गए और झोलियां फैला कर कहते गए कि ऐ सैयद शुहदा, इन सैयद सादात के सदके में जैसे वहां पे अता किया था मरहम को राहिब को, वैसे हमें भी अता कर दे, जैसे राहिब को सात अता किए थे हमें भी अता कर दे, जैसे उसकी झोली भर दी थी वैसे बे औलादों को औलाद अता फरमा। क़िबला लाखों करोड़ों कारी हैं दुनिया में, हजारों कारी हैं, हजारों कारी कुरान किराम करते हैं। अब मैं उस कारी का जिक्र करूंगा कि जिसके पांव की धूल पर ये सारे कारी कुर्बान, ये सारे कारी कुर्बान उसके पांव की धूल पर। शायर कहता है कि हुसैन शायर कहता है कि तस्वीर मोहम्मद जिसको देख के मक्का मदीना के गवा के लोगों को आका नामदार अगर देखना हो तो उस चेहरे को देख लेते थे। अब शायर क्या कहता है, हुसैन कहने लगे
बदन के कुरान जारी है, जारी है बिन बदन के कुरान जारी है, जारी है बिन बदन के कुरान जारी है। हुसैन ऐसा अजीम कारी है, सर प्यार में कहते हैं आप मेरी जान हो, जैसे साईं लाल साईं बादशाह, साईं बादशाह वो कहते हैं आप मेरी जान हो, आप साईं को कहते हैं आप मेरी जान हो। इस जान को शायर ने बड़े प्यार के साथ लफ्जों में समोया है, क्या कहता है कि जान पे जान लोग देते हैं, जान पे जान लोग देते हैं, नाना इसलिए जान शायर कहता है कि सरगते दीन पर खुदा की कसम। अभी साईं ने अलम निशान लगाया है, तो शायर क्या कहता है सरगते दीन पर खुदा की कसम, अलम वाले किसी की निगाह में रहो या किसी की दुआ में रहो, या किसी की निगाह में रहो या किसी की दुआ में रहो, नजर का लगना और होता है, नजर का पड़ना और होता है, खुदा ना खास्ता किसी पद नजरे की नजर लग जाए तो सबरा काम बिगड़ जाता है, और किसी सैयद की नजर पड़ जाए तो बिगड़ा काम सवर जाता है। आज नजर पड़ जाए तेरी मेरी बिगड़ी बन जाए, शाह जी जहाँ से भाई छेड़ के छोड़ गए मैं वहीं से नौकरी पे शर्माऊंगा। रसूल सादे फतूल सादे तत्सा लोगों में शाम किए, रसूल सादे फतूल सादे तत्सा लोगों में शाम किए, रसूल नाना पापा लिए अजय भी पूछ रहे हुसैन किए, रसूल नाना पापा अली
जे भी पूछना है हुसैन की है शाह जी इस मिसरे ते जे ए ना बोले ते मैं नकाबत कीती नहीं रसूल नाना पापा अली है अजे भी पूछना है हुसैन की है ओए हुसैन दी मां नबी दी धी है अजे भी पूछना है हुसैन की है अजे भी पूछना है हुसैन की है शाह जी इस मिसरे पे जो आपसे दुआ मिलेगी ढेर सारी तवज्जो हाथ का तालिब हूं हुसैन गोदे नबी च पलिया हुसैन गोदे नबी च पलिया अगला मिसरा बिल्कुल ऐसे पढ़ता हूं आपके उठे हाथ और सुभान अल्लाह बताएगी हक पड़ गया हूं हुसैन गोदे नबी च पलिया ए तीसरा ए इमाम चलिया सुभान अल्लाह हुसैन गोदे नबी च पलिया बसमी साहब तवज्जो फरमाइएगा हुसैन गोदे नबी च पलिया इमाम चलिया असि सारे पांच तन दे गुलाम बैठे आ ते मैनू पता है जिदे जिदे दिल च पांच तन दी जिदे जिदे गल च पांच तन दी गुलामी दा पट्टा है ओ हाथ उठा के उच्चा बोलेगा हुसैन गोदे नबी च पलिया ए तीसरा है इमाम चलिया हुसैन पांच तन दा पंजवा जी है अजे भी पुछदा है हुसैन की है अजे भी पुछदा है हुसैन की है अजे भी पुछदा है हुसैन की है हैरान ने सब यजीदी टोले हैरान ने सब यजीदी टोले हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर धड़ दे हुसैन बोले हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर धड़ दे हुसैन बोले ए शहीदां दी ए हो जिंदगी है अजे भी पुछदा है हुसैन की है अजे भी पुछदा है हुसैन की है और शाह जी पूरी महफिल एक तरफ ये मेरा शेर एक तरफ ये भारी हो जाएगा आपकी निगाह से नया की प्यासा है पीर मेरा नया की प्यासा है पीर मेरा ते मजबूर भी नहीं है शब्बीर मेरा नया की प्यासा है पीर मेरा ते मजबूर भी नहीं है शब्बीर मेरा खुदा दी हर शह हुसैन दी है अजे भी पूछना है हुसैन की है अजे भी पूछना है हुसैन की है सबर भी जिसने है नाज करता सबर भी जिसने है नाज करता है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी जिसने है नाज करता है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा शाहजी इस मिसरे में शायर ने कमाल कर दिया कलम तोड़ दिया जब हमें दर्द होती है ना तो हमारी लबों से निकलता है सी फौरन सी की आवाज निकलती है इसे शायर ने रजमी साहब कलाम में परोया है और जुमले का मजा लीजिएगा सबर भी जिसने है नाज करता है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा महफिल दी सब को ऊंची सुभान लाड़ वाली है तवज्जो करना सबर भी जिसने है नाज करता है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा लुटा के सब कुछ न कीता सी ये अजे भी पूछना है हुसैन की है पूछना है हुसैन की है और मक्ता सुनिए आखिरी शेर ओ थोड़ देंदा नहीं आण वाहिद ओ देंदा दर दर नहीं जान वाहिद ओ थोड़ देंदा नहीं आण वाहिद ओ देंदा दर दर नहीं जान वाहिद अली दा पुत्र बड़ा सही है अजे भी पूछना है हुसैन की है अजे भी पूछना है हुसैन की है सरायकी का मुझे हुक्म था चार मिसरे शाहजी कलमा पढ़ते वदा खुश थी ने क्या भरे ने दीन दे टक्के कलमा पढ़ते वदा खुश थी ने क्या भरे ने दीन दे टक्के दीन दा शान हुसैन तो पुछ जड़ा लाशा ढोंदा थके नाक पर हा ना कासिम हा शाह घोट को है निस यक्के मारा चल बहरैन ते मोती हन ओ तका इकरार ते पक्के अच्छा जी आदन कलमा पढ़ते पता खुश थी ने ते को मुफ्त इस्लाम ता मिल गए खबर ने भी इस्लाम ते केड़ा खर्च सादात ता ठीक है फलदा फुलदा पाक नबी दा जेड़ा राह इस्लाम कपी गए एक अकबर हा बंद परगा विच जेड़ा दीन दा पानी पी गए एक अकबर हा बंद परगा विच कौन है ते हर हर गुलशन विच मेरे पीर जी आ कोई गुल नहीं मासूम असगर ते आन मोहम्मद अकबर तू फत के भूल गई अब्बास से खासी करबल दा मैं को कासिम दी भी भूल गई दिलचस्प सारी कायनात रले हे
ایک والے حسین تمل میں دلچسپ ساری کائنات رلے ایک والے حسین تمل میں آئیے ملتمس کے لیے اشعار کا زیر سایہ اپنے ایوان سے بھائی نثار احمد نظمی صاحب شہر سعدی کباب کی خوبصورت آواز منفرد صوت و صدا اور منفرد طرز ادا کے مالک صلاح خان نثار احمد نظمی صاحب تشریف لائے بارگاہ رسالت باب میں اپنی عقیدتیں اور محبت کے اندر جب تک درود پاک نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اور جب نماز میں درود پڑھتے ہیں تو تصور میں نبی اور اس کی آل پر درود پاک پڑھتے ہیں اور جب آل رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نظروں کے سامنے ہیں تو پھر محبت سے کیوں نہیں پڑھتے تو اب تو آپ کے سامنے بیٹھے تو محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا نیویا نال نبھائی
के जा इना उचियां तो मैं उचना नीवियां नार निभाई सदके जा महबूबा वाला चल दवारा मली तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा मली जिसने उस दीवारे पर अपने सर को चुका दिया तो फिर क्या बात आती है कि मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता Hey, 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 hey.
कोई भी इलाज
कोई भी इलाका हो जहां जिक्र अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे, जहां जिक्र अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे, जहां जिक्र अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। इस्तकबाल में सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे, न तब तक न जब तक फातिमा बैठे। अली वालों के नारों ने रजा ऐसा समाबादा, अली वालों के नारों ने रजा खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, के खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, के खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अली वाले जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। आखिर में जमाने का सहारा है अली उठता है, पुकारू मैं अली
पहचान करनी हो मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो लगाओ मिले के सब नारा अली मौला अली मौला नारा हैदरी हैदरी लगाओ मिले के सब حضرت شیخ سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی شادی ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں جو چلنے والے ہیں وہ چل چل کے چل چل کے چل چل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں دیر ساری توجہات کا طالب ہوں قلم میں قدرت پیدا ہوا تو دن دسواں رات گیارہویں قلم میں قدرت نے لوہے محفوظ پہ تقدیر کو لکھا دن دسواں رات گیارہویں آدم کو زندگانی ملی دن دسواں رات گیارہویں نوح کو میرے چابیدانی ملی دن دسواں رات گیارہویں پانی کو روانی ملی دن دسواں رات گیارہویں زمین کو آسمان کی میخ بنایا گیا دن دسواں رات گیارہویں ستاروں کو تابانی ملی دن دسواں رات گیارہویں چاند کو چاندنی ملی دن دسواں رات گیارہویں یعقوب و یوسف کی ملاقات ہوئی دن دسواں رات گیارہویں یزید نے لعنت کا طوق پہنا دن دسواں رات گیارہویں امام علی مقام میں جامع شہادت پیش کیا دن دسواں رات گیارہویں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے دن دسواں رات گیارہویں مسلمان قربانی کرتے ہیں دن دسواں رات گیارہویں مسلمان حج کو جاتے ہیں دن دسواں رات گیارہویں حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ نے نیل پار کیا دن دسواں رات گیارہویں حضرت موسیٰ نے نیل پار کیا دن دسواں رات گیارہویں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے دن دسواں رات گیارہویں مسلمان قربانی کرتے ہیں دن دسواں رات گیارہویں اور غوث العظم کو مرید کھیر پکاتے ہیں دن دسواں رات گیارہویں گیارہویں آخری سانس پہ سبحان اللہ کہنے والے سانس ہیں ذرا کہیے سبحان اللہ دن دسواں رات گیارہویں اور لفظ دستگیر کا استعمال چراغ گولڑا نے خوب کیا کہتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ جی یہ چولا حاصل محفل بن جائے گا اس نصیر حضی کے نصیر آپ نے دستگیر آپ نے شاہ بغداد پیران پیر آپ نے دستگیر آپ نے اور میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تیسری بار شاہ جی یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے اور یقیناً حاضری حضوری کو پہنچتی ہے اگلی محفل کی حاضری کے لیے مہر لگتی ہے تو حاضری اور یہاں پہ آتا ہوں مجھے شادی نے جو حکم فرمایا ہے اس سر آنکھوں پر میں شان پہ آ رہا ہوں
और ये शादी आपसे दुआ लेने के लिए पहली बार यहाँ से इस कलाम का इब्तदा करूंगा, कलाम पढ़ूंगा। ये आंख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है, ये आंख मेरी है पर इसमें लफ्जों की कदरदान बस खुद ही सुभानअल्लाह कहते जाएंगे। इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे एक एक मिसरे पे दाद लूं। ये आंख हर रात हजारों का इस्तेमाल देखती है, यहाँ तो फकत दुआ के लिए आता हूँ। ये आंख मेरी है पर इसमें नब हुसैन का है। अभी यहाँ पे अलम बुलंद किया गया, यहाँ पे शादी, अगला मिसरा इसी पे है। ये आंख मेरी है पर इसमें नब हुसैन का है, ये आंख मेरी है पर इसमें नब हुसैन का है। अगले मिसरे पे जो बंदा सुभानअल्लाह ना कह सका, कल इंतजामिया की मेहनत करेगा, वीडियो लेगा, देखेगा, घर बैठ के कहेगा सुभानअल्लाह। ये आंख मेरी है पर इसमें नब हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है, छत पर अलम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे, कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे, बल्कि शायर ने जैसे लिखा है मैं थोड़ा सा बदल के पढ़ता हूँ। कोई तो मुफ्ती मुल्ला को ये खबर कर दे, हजरत जी नमाज पढ़ते हो तुम ये भी करम हुसैन का है, ये भी करम हुसैन का है। अल्लाह जाने कहा कहोगे सुभानअल्लाह, हाथ उठा के कह दो ना सुभानअल्लाह। पर इसमें नब हुसैन का है, ये आंख मेरी है पर इसमें नब हुसैन का है, मेरे जमीन की छत पर अलम हुसैन का है। कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे, नमाज पढ़ते हो तुम ये भी करम हुसैन का है। तवज्जो, पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ के देख, पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ के देख। काजी हमारे यहाँ रिवाज है जब बच्चा बीमार होता है, बहुत रोता है, इंतहा का रोता है, तो माँ कहती है इसे शाहजी के पास ले जाओ, दम दरूद करा लाओ, इंशाल्लाह निगाह पड़ गई तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब मैं आपके दिल की बात करता हूँ, आपके दिल की किताब पढ़ूं तो सबके हाथ उठ जाने चाहिए। यकीन रोजे महशर ये हाथ गवाही देंगे कि हुसैन के नाम पे उठे थे। ये आंख मेरी है पर इसमें नाम हुसैन का है, मेरे जमीन की छत पर अलम हुसैन का है। कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे, नमाज पढ़ते हो तुम ये भी करम हुसैन का है। पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ के देख, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, मुझे शान पढ़नी है जो कि हुक्म सरांकों पर है। शादी आखिरी मिसरा आज की महफल की सबसे ऊंची सुभानअल्लाह, जिसका हाथ सलामत है हाथ उठाएगा, जो जोर लगा सकता है सीने का जोर लगा के आखिरी मिसरे पे सुभानअल्लाह कहेगा, हक बने तो जैन कादरी की दाद नहीं रखनी, सुभानअल्लाह की दाद देनी है। ये आंख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे, नमाज पढ़ते हो तुम ये भी करम हुसैन का है। पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ के देख, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। किसी यजीद की मिदहत मैं किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। कलम हुसैन का है ये शादी, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। आपकी निकाहों की दाद लेते हुए जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो। मैं इस बात का दावा नहीं करता, इस मिसरे पे आप सारे बोलेंगे, लेकिन इस बात का दावा जरूर करता हूँ, चौथे मिसरे पे शाहजी की निगाह पड़ गई सबकी बिगड़ी बन जाएगी। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरिकैन क्या होगा। जिसकी सूरत भी शाहजी, मैंने दो सूरतें पढ़ी हैं, मैं इनकी सूरतें भी देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर सूरत ये सूरतें इन सूरतों को समझा पाऊँ, लेकिन जब ये सूरतें देखता हूँ तो थोड़ी सी धारस बन जाती है, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी जो ये सूरतें इन सूरतों को समझा पाऊंगा। अब अल्लाह जाने ये सूरतें कब कहेंगी सुभानअल्लाह। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरिकैन क्या होगा। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत
ہو وہ شہِ مشرقین کیا ہوگا ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا شہِ زمانہ شہِ مشرقین کہہ کر دیکھ شہِ زمانہ شہِ مشرقین کہہ کر دیکھ علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کر دیکھ شہِ زمانہ شہِ مشرقین کہہ کر دیکھ علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کر دیکھ اسی لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کر دیکھ بس ایک بار تو دل سے اب بات دل کی ہوئی ہے مجھے شاہ جی نے بڑے دل سے بلایا ہے میں دل سے آیا ہوں دل سے پڑھ رہا ہوں دل والوں میں پڑھ رہا ہوں دل والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں سنگ دل نہ بولنا جن کے سینے میں پتھروں نے معافی جن کے سینے میں دل ہے اور دل میں نبی کی آل کی محبت ہے انہیں کہنا پڑے گا سبحان اللہ آخری چار مصرے سنیے شاہ جی شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر یہ فقط شاہ جی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر کام آئے گا قبر میں وسیلہ حسین کا کام آئے گا قبر میں وسیلہ حسین کا شاہ جی ہزاروں کے اجتماع میں نے یہ دو مصرے پڑھے ہیں پنڈال سے بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کیسے فقط حسین کا وسیلہ میں نے اگلے مصرے میں جواب دیا ہے اگر آپ کے دل کی بات ہو تو پھر آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر کام آئے گا قبر میں وسیلہ حسین کا کیسے نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا حیران ہے اس بات پہ دنیا قتل بھی ہو کر جیت گئے لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے صرف 72 جیت گئے حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے اور یہ اس جملے پہ بات ہی ختم ہو گئی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ملتمس ہوں اپنے ایوان سے محمد قاسم سیدی صاحب تشریف لائیں بارگاہ رسالت باب میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرمائیں کوئی شخص کھڑا ہو کے نعرہ بلند کرے صدا تین حسین ابن علی ہے سلطان صدا تین حسین ابن علی ہے وہ شیر جلی جہاں میں ایسا
सैन
आज तो दिल ये था कि पढ़ता चला जाऊं और दुआएं लेता चला जाऊं, क्योंकि बात दिल की है और यहाँ पे तो दिल है और दिल की उसी में दिल के दिल की बंदगी हो जाएगी, बंद होना चाहिए। नबी की आल का गुलाम होना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी को अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। मुल्तमिसुन काजल फकीर साहब तशरीफ लाएंगे, बारगाह रिसालत बाग में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें नजर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह व सलाम अलैक या हबीब अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजरगी अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। अहमद दे दरते हमेशा गदाई करें दे गुजर गई। हमेशा गदाई करें दे गुजर गई अहद नाल अहमद मोहम्मद। हलीमा बेलाचीदा करके तसव्वुर करके तसव्वुर हलीमा करके तसव्वुर खुरे दाचियां दे
No me mola.
जख्मी ते दुखारिया मैं पंजतन दा पुजारी है मैं पंजतन दा पुजारी है ते खिदमतगार साई दा मेरा दारू दवा समझी फकत दीदार साई दा खुद आशिक ते माशूक न मुसलमान काफर फकत कुनदा मुसाफिर न मुसलमान काफर फकत कुनदा मुसाफिर रखेंदा दर्द वाफिर फकत दीदार साईदा मैं खुद आशिक ते माशूक फकत दीदार साईदा अयाज अहमद सदाई रहना बिठाई दिल विच खुदाई रहना अयाज अहमद सदाई रहना बिठाई दिल विच खुदाई रहना मैं खुद को खुद लुकाई रहना मैं खुद को खुद मैं खुद को खुद लुकाई रहना मैं खुद को खुद लुकाई रहना लुका इसरार साईं दा मेरा दारू दवा समझी फकत दीदार साईं दा मैं खुद आशिक ते माशूक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी शम्मू खान साहब तशरीफ लाए बारगाह रिसालत बाग में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें नजर फरमाते हैं पूरा जो कैमरा कैद कर लेगा पकड़ तराजू मेरा अरबी तोले शकल सियाडू झेर गुना दस केहरा मुखना जे अरबी जा भालू भले
फरीद फरीद निभाओ तुने भांगड़ी मूल न भाओ रोटी वाला अपने मिल गया कौन नहीं ओ लम्बे भक्त न फल ले रोजे उमरो निभाओ मुसोने नाम कनायो सावल नाम कनायो यमजे भक्त न फल ले रोजे उमरो निभाओ सोने नाम कनायो सावल नाम कनायो वो सावल महारू न जाने जिंद जवानी जमाने सोना महारू न जाने जिंद जवानी अमाने जानी जानो तू नेड़े ओ जाने ना जाने मुर्शिद जानो तू नेड़े ओ जाने ना जाने मैं ता लज सदमायो सोने नाम कलायो सावल नाम कलायो जाने नाम कलायो यमजे बख्त न फल ले रोजे उमरो निभायो साने नाम कलायो सावल नाम कलायो माता गाफल मुठियां चमकन पैर बलैया सुतियां से जो लुटायम सुतियां से जो लुटायम जानी नाम कलायम सोहने नाम कलायम सामल नाम कलायम जमजे बख्त न भल दे रोजे उमरो निभायो सोने नाम कलायो जाने नाम कलायो ओ कासद नहीं सुन सकदा आलम दे दरगाह दे कासद नहीं सुन सकदा आलम दे दरगाह दे कलम नहीं लिख सकती मेरे हाल लुखांदे कलम नहीं लिख सकती मेरे हाल लुखांदे कागज बार न जानो कागज बार न जानो जानी नाम कलायो सोहने नाम कलायो सामल नाम कलायो नाल नतानी सैत मुंडूम मोया रही तंद नाल नतानी सुतियां से जो लुटायो सुतियां से जो लुटायो मुजानी नाम कलायो सावल नाम कलायो धूरन नाम कलायो रब याद निमामी नाम बरो चल खांदा नाम बरो चल खांदा जानी सदनी उलांदा भूरल सदनी उलांदा सामल सदनी उलांदा कहीं तुम हाल सुनामा Oh!
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك الله ذم ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
आ
आशनाई मार्फत हो असिया के वास्ते कामयाबी शाह गुलाम बाहू अली को तूने दी औलियाए हजरत साले मोहम्मद को भी दी नजरे रहमत पीर हजरत सोंद शाह को तूने दी आज दी शबीर की हो नायक तेरी रहमतों सिया के वास्ते मेरे मालिक तू है दाला सुन सवाली के सवाल रिज़्क़ लायो ताज दे हो कल्ब जिससे खुश किसान करता अपने गरम से औलते हक लाजवाब मुर्शिद ने मेरी जिंदगी की हो अखीर हो मेरे तन में हमेशा इसमे आजम की तसीर हल हो सब मुश्किलातें रख वसीला दस्तगीर अर्ज करता है खड़ा दर पे तेरे शौकत हकीर मुश्किलें हल हो सभी मुश्किल कुशा के मेरे हाथी का फैज अब तक जारी रहे मार फते लाई न कोई खाली रहे फूलों की तरह बहता जब तक किसी को नफ्स की बीमारी रहे आबिद पीर की ओ इल्तिजा पूरी पंचम के वास्ते पहले सिलसिलाए कादरी पर जोर कर कब्र के शैतानी वसवसे दिल से तू मेरे दूर कर खोल कर हुक दे सभी मेरी हाजरी मंजूर कर कर मुझे मकबूल दरगाह मुस्तफा के कि अपनी बार गहने में कबूल व मकबूल फरमा या रब्बुल आलमीन पढ़ने में कोई गलती कोताही सर न दुयो हुजूर का सदका माफ़ फरमा के अजर अज़ीम अता फरमा आयतल कुर्सी 100 मरतबा तीसरा कलमा 100 मरतबा दुरूद पाक 500 मरतबा या रज़ाक 100 मरतबा मेरे मिलक किए गए या रब्बुल आलमीन जो कलमा कलाम पढ़ा गया मेरे मिलक किया गया हाजिर काम का सवाब हुजूर सरूरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजराना तन हदिया तन तोहफा तन पेश करते हैं अपनी बार गहने में कबूल व मकबूल फरमा या रब्बुल आलमीन जो कलमा कलाम पढ़ा गया हाजिर काम का सवाब जो मेरे मिलक किया गया या रब्बुल आलमीन इसका सवाब हमारे अमल मुताबिक नहीं अपनी शायन निशान अता फरमा या रब्बुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका 55 पाक 12 इमाम 14 मासूम शहीदान करबला व शहीदान कुल सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी गौस समदानी महबूब रब्बानी दीगर शजरतुल फुकरा सरकार सोंदे शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सरकार मदद अली शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सरकार शबीर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुर्शिद पाक सैयद फयाज हुसैन चैनकवी बुखारी की बारगाह में बाबा शौकत अली साहब शौकत बिलखलूस वालिद पाक की बारगाह में जितने औलिया अल्लाह नेक बातें इंसान गुजरे उनके लिए नजराना की दत बेहते कबूल व मकबूल फरमा या रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान मर्द व औरतें मोमिन व मोमिनात हो तो जिके उनके इसका सवाब बेहते हैं या रब्बुल आलमीन कबूल व मकबूल फरमा जितने या रब्बुल आलमीन खानदान के वर्सा तेरे पास आ चुके हैं उनके लिए इस सवाब का नजराना भेजें कबूल व मकबूल फरमा या रब्बुल आलमीन अहले मजलिस पे अपना फजल और करम फरमा या रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं नेक साले औलाद अता फरमा या रब्बुल आलमीन जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार नसीब अता फरमा या रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का सदका शफाए कामिल आजला नसीब अता फरमा या रब्बुल आलमीन जो कर्ज़दार हैं कर से फरागी नसीब अता फरमा या रब्बुल आलमीन दुश्मनों हज़दों नफ शैतान के शर से महफूज फरमा या रब्बुल आलमीन जिन्नात जादू
दुनियावी जो तकलीफ में मुब्तला है मालिक मौला अली मुश्किल कुशा का सदका उनकी मुश्किलातें दूर अता फरमा, मुर्शिद पाक का सदका मंजिलें आसान फरमा। या रब्बुल आलमीन दोनों जहानों की भलाई नसीब अता फरमा, इस लंगर पाक में शफा और बरकत नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो दोस्त दूर से नज़दीक से चल के हमारी महफिल में रौनक बख्शी है, इनके घरों को, इनके बच्चों को, इनके डेरों को आबाद उशाद फरमा। या रब्बुल आलमीन इनकी हाजात को पूरा फरमा, मालिक इनकी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या रब्बुल आलमीन इनके लिए जो भलाई है मौलाए कायनात पंचन पाक असद का भलाई नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन दोनों जहानों का रिज्क नसीब अता फरमा, दोनों जहानों की कामयाबी नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो घर में बीबियाँ बैठी हैं मालिक पंचन पाक असद का उनकी हाजात मुश्किलातें परेशानियाँ दूर अता फरमा। अपने प्यारे हबीब का सदका करम फरमा, जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। मुर्शिद पाक का सदका फ़कर मोहम्मदी की मंजिलें आसान फरमा, मुर्शिद पाक का फैज जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मुर्शिद खाने पे अपना करम और फजल फरमा, हम सब पे अपना फजल और करम फरमा, भलाई नसीब अता फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हक हलाल का रिज़्क कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हक देखना, हक सुनना, हक कहने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलि व सहाबी अजमईन बे रहमतिका या अदा। या आराम सा वेही लेना ठाए पांजो लंगर।